सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चार बजे की चार बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। विधान परिषद की दो सीटों पर सुबह से ही उपचुनाव के लिए मतदान के बाद अब मतगणना की बारी है। बीजेपी ने दोनों ही सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं मानवेंद्र सिंह और पद्मसेन चौधरी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, जबकि सपा ने पूर्व MLC राम जतन राजभर और कौशाम्बी निवासी रामकरण निर्मल को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो 100 सदस्यीय यूपी विधान परिषद में बीजेपी के 74 सदस्य हैं, जबकि प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के 9 सदस्य हैं। तो आज MLC उपचुनाव में भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मतदान के बाद अब मतगणना की बारी है। जी हां, शाम 4 बजे तक मतदान होना था, जो कि अब पूरा हो चुका है, और अब से 1 घंटे बाद यानी कि तकरीबन शाम 5 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद यह घोषित हो जाएगा कि आखिर कौन सी पार्टी ने जीत का परचम MLC के चुनाव में लहराया है। तो सुबह से ही मतदान जारी है। अखिलेश यादव के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने भी इस दौरान अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, और विधानसभा के सभी नेताओं ने इस दौरान MLC चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए वोट डाले हैं, जो कि शाम 4 बजे तक लगातार मतदान किया गया है। तो आपको बताते चले कि MLC बनवारी लाल का निधन हो गया था, जिसके कारण एक सीट खाली हो गई थी। वहीं बनवारी लाल का कार्यकाल 26 जुलाई 2028 को समाप्त होना था। उसके बाद MLC लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 15 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था। उन्हें सिक्किम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का कार्यकाल 23 जनवरी 2027 तक का था। दो सीटें खाली होने के बाद आज उपचुनाव का ये कार्यक्रम तय किया गया था, जो कि शाम 4 बजे खत्म हो चुका है, यानी कि अब से महज 1 घंटे बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और देर शाम तक नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, सुबह 8 बजे से ही लगातार जो उपचुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया थी वो जारी थी, और अब 4 बजे का समय हो चुका है, यानी कि माना जाए कि मतदान जो है वो खत्म हो चुका है। इस दौरान किस किस ने वोट डाले और वोटिंग परसेंटेज भी क्या रहा? देखिए मुस्कान, सबसे मेन बात यह है, मतदान यहाँ पर खत्म हो चुका है, जो भी सदस्य यहाँ पर होते हैं सभी वोट डालते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, चाहे हम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, ब्रजेश पाठक की बात करें, सभी वहाँ पर गए थे और तस्वीरें लगातार जारी हुई थी कि किस तरह से यहाँ पर वोट डाला गया है। सबने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण। हालांकि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात और कही थी कि चुनाव व्यवस्थित थोपा गया है, क्योंकि यह समाजवादी पार्टी की जीतने की उम्मीद बड़ी कम है, क्योंकि उनके सदस्य कम है और यहाँ पर जीतने की जो संभावना कम है, उसके बावजूद यहाँ पर चाहते तो यहाँ पर निर्वोट भी यहाँ पर लोग नामित किया जा सकते थे, पर समाजवादी पार्टी ने जारमूज के यहाँ उम्र उतार कर इस चुनाव को थोपा है और कहीं ना कहीं इसको लेकर भी राजनीति होनी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी कहना था कि भले हम कम है पर यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, जो संवैधानिक प्रक्रिया है विधान परिषद की उसको फॉलो करेंगे, जीतना ही ना हारना एक अलग विषय है। और इसके लिए यहाँ तक कि आपको बता दूँ कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी उनके द्वारा सभी दलों को, यहाँ तक कि बीजेपी के तमाम नामों को, या जब पत्र भी जारी किए गए तो उनसे कहा गया था कि अपना समर्थन दे, तो कहीं ना कहीं अलग तरह का चुनाव इस बार रहा है। और यहाँ तक कि 70 दल के लोगों को भी यहाँ पत्र गए थे, उनसे यहाँ पर समर्थन की उम्मीद जताई गई थी, समर्थन मांगा गया था। महत्वपूर्ण चुनाव यानी माना जाए भाजपा और सपा ने ही, दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन अब मतदान जो है वो पूरा हो चुका है और मतगणना की शुरुआत गौरव कब से होगी? मतगणना की शुरुआत है मुस्कान 5 बजे के लगभग होगी, और मतगणना की अगर हम बात करें तो 9 बजे तक इसके परिणाम सामने आ सकते हैं, और उस पर स्पष्ट हो जाएगा कि जो सीटें खाली हुई थी, जो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के यानी जो सिक्किम के राज्यपाल बनाए गए थे उनके कारण खाली हुई थी, बनवारी लाल दोहरे जिनका भी हाल में ही निधन हो गया था, तो 15 फरवरी को ये सीट खाली हुई थी, तो उस पर अभी कौन विराजेगा? क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें बीजेपी प्रत्याशी के, तो बीजेपी ने यहाँ पर जातिगत समीकरण लगाया है, एक उम्मीदवार ठाकुर बिरादरी उतारा है तो दूसरा OBC वर्ग से है। परम सिंह चौधरी और मानवेंद्र सिंह दोनों बड़े नाम हैं और बीजेपी के वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है, अनुभवी चेहरे हैं। तो अगर सपा की बात करें तो रामनिधन राजभर पूर्व MLC भी रह चुके हैं, और रामकरण निर्मल जो कि अगर बात करें दलित वर्ग के नेता कहे जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है मुस्कान कि दोनों जगह यहाँ पर समीकरण बढ़ाए गए हैं, प्रयास किया गया है, और एड़ी चोटी का जोड़ यहाँ पर बीजेपी भी लगाएगी, समाजवादी पार्टी भी लगाएगी, पर फिलहाल फैसला 9 बजे तक आ जाएगा। ठीक है गौरव, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर आज लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि वो डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के साथ ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसे में जो अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया है वो भी लगातार सबने सुना, तो क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर का जो समर्थन है वो किसके साथ होगा? देखो ओम प्रकाश राजभर की जो बात अगर हम कहें मुस्कान, तो
उनके उनकी बातें आती रहती हैं, कभी वो सरकार के पक्ष में बयान देते हैं, कभी विपक्ष में बयान देते हैं। और हमने देखा है जब 17 में सरकार बनी थी उनको दिव्यांग कल्याण मंत्री बनाया गया था, और 2.5 साल के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और कहा था बीजेपी सरकार हमारी सुन नहीं रही है। उसके अलग हुए थे और अलग होते हुए चर्चाएं मानी जा रही थी शायद दोबारा पार्टी में लौट के आए, और उसके अलग इन्होंने 22 के चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा है, और वहाँ पर भी चुनाव लड़ने के बाद जब परिणाम आए हैं तो उसके बाद भी अखिलेश यादव से इनकी जो मनमुटाव था वो बढ़ गया, और जब लगातार एसी पे बैठने की सलाह को जब वो देते थे उसको लेकर फिर अखिलेश यादव से मनमुटाव के चलते इस समाजवादी पार्टी का इनका गठबंधन टूट गया। लगातार बात कही जाती रही, कभी अगर बात कहें तो सत्ताधारी दलों के नेताओं से मिलते हैं, कभी डिप्टी सीएम से मिलते हैं, कभी परिवहन मंत्री राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह से मिलते हैं, तो कई विपक्ष के तमाम नेताओं से मिलते हैं। तो उनका राजभर यहाँ पर कहाँ जाएंगे वो स्पष्ट नहीं है, पर कहीं ना कहीं जिस तरह से वो वोट डालने गए हैं तो उम्मीद ये जता जा सकती है कि उनके राजभर का जो मतदान है वो भी यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में होगा। तो इससे पहले भी अगर हम बात करें राष्ट्रपति चुनाव की तो वहाँ पर भी उनके राजभर उस समय समाजवादी पार्टी गठबंधन में थे, उसके बावजूद वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी द्वारा आयोजित भोज में शामिल होने गए थे, और उनका जो वोट है वो भी राष्ट्रपति चुनाव में यहाँ पर बीजेपी के समर्थन में गया था। तो यहाँ पर फिलहाल उम्मीद यहाँ पर बीजेपी समर्थन जताती है। अब आने वाले समय में और क्या बयान आएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव भी इसको लेकर उनके राजभर पर टंच कर गए हैं कि उनको पता नहीं कि वो जहाँ जाते हैं और कहाँ क्या करते हैं। बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से अभी ये अब तो मतदान खैर खत्म हो चुका है और तमाम पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जिसके नतीजे अब से महज थोड़ी देर में खुल जाएंगे, लेकिन क्या लगता है गौरव की क्रॉस वोटिंग हुई होगी? नहीं, क्रॉस वोटिंग की संभावना मुस्कान कम होती है, क्योंकि यहाँ पर जो भूपेन चौधरी की बात करें जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने खास तौर पे एक बीप जारी किया था, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक भी वोट बर्बाद ना होने पाए, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि बीजेपी की तरफ से यहाँ पर लापरवाही की उम्मीद कम है। पर यहाँ पर अगर विपक्ष की बात करें तो वहाँ कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि हमने देखा तमाम ऐसे मुद्दे मौके होते हैं, तमाम ऐसे मतदान होते हैं जहाँ पर कई बार विपक्षी पार्टी के तमाम लोग भी सत्ताधारी पार्टी के समर्थन में वोट कर देते हैं, और तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं। उसका बिल्कुल धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो एमएलसी उपचुनाव था वो अब खत्म हो चुका है, जिसकी मतगणना अब से महज थोड़ी ही देर में यानी कि 5 बजे शुरू हो जाएगी, जिसके बाद देर शाम तक ये नतीजे घोषित हो जाएंगे कि आखिर इस सीट पर कौन सी पार्टी ने फतह हासिल की है। 9 साल पहले पीएम मोदी ने अपने पहले कार्यकाल की शपथ ली थी, जी हां, जिसके बाद 2019 के चुनाव में भी भाजपा का डंका बजा था और भाजपा को प्रचंड जीत मिली थी। नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 9 साल 26 मई को पूरे किए हैं। इस अवसर पर भाजपा देश भर के सभी राज्यों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई दिखाई दी है, वही भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों के साथ ही केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ प्रेस को संबोधित किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 सालों में मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया जाएगा। विगत 9 वर्ष का जो समय है यह एक नए भारत का दर्शन करने का समय है, और इसीलिए आजादी के अमृत महोत्सव के काल के मुख्य महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को पंच प्रण के साथ जोड़ने का एक संकल्प भी दिलाया। पंच प्रण में उनका जो संकल्प रहा है कि हमें गुलामी के अंशों को पूरी तरह समाप्त करना है, लेकिन फिर आगे अन्य जो संकल्प उन्होंने उसके साथ जोड़ाए कि हमें विरासत का भी सम्मान करना है, और अंत में उन्होंने जो बात कही उसमें कि यह सभी संकल्प पूर्ति तभी होगी जब हर नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करेगा। यानी नागरिक कर्तव्यों का भी एहसास है, विरासत का सम्मान भी है। तो आपने सुना कि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल की कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसको लेकर आज तमाम राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कौन कौन से वो राज्य थे जिनमें आयोजन किया गया इस कॉन्फ्रेंस का, और जहां पर भी बीजेपी का शासन नहीं है वहां पर किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई? गौरव,
देखिए मुस्कान, सबसे अहम बात है कि यहाँ पर 9 साल पूरे हुए हैं, उसको लेकर बीजेपी लगातार अपने जो योजना है नीति जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है, और इसके लेकर भी अगर हम बात करें तो रणनीति लगातार बनाई जा रही है। कल भी अगर हम बात करें दिल्ली में मैरपुर बैठक की, जिसे भाजपा साथ राज्यों के मुख्यमंत्री बुलाए गए थे, इसमें केंद्रीय अध्यक्ष अगर बात करें जे पी नड्डा भी मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ मौजूद थे, और तमाम बड़े पदाधिकारी बड़े नेता वहाँ मौजूद थे। उसके माध्यम से 30 मई को 30 जून तक जो अभियान चलाने जाने वाला है उसकी यहाँ पर किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी उसको भी मंथन हुआ है, और पूरे मेहनत से और रणनीति सारे चुनाव में उतरने की संभावना है, तैयारी को लेकर जोड़ दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर मुस्कान प्रेस वार्ता की करें तो यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई यहाँ पर, जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री हैं, जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करेंगे। इसके साथ उनका एक केंद्रीय मंत्री भी यहाँ रहेगा, जैसे अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता की थी। इसके अलावा अगर बात करें तो उनके साथ पेट्रोलियम गैस मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद थे। इसके अलावा अगर बात करें तो अन्य राज्यों की बात करें, मुंबई की बात करें तो वहाँ पर निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चूँकि वहाँ पर और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। अगर असम गुवाहाटी की बात करें तो वहाँ पर अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री वहाँ पर गए थे। अनुराग ठाकुर की बात करें तो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हैं। स्मृति ईरानी की बात करें तो उनको रोहतक की जिम्मेदारी दी गई है। अगर पीयूष गोयल की बात करें तो उन्होंने जयपुर में प्रेस वार्ता की है। तो यहाँ पर प्रेस वार्ता के माध्यम से नीतियाँ बताई गई है, और सभी केंद्रीय मंत्रियों को कहा गया था कि आपको जाना है, और प्रेस वार्ता के माध्यम से अगर जहाँ सरकार है वहाँ मुख्यमंत्री के साथ, और जहाँ सरकार नहीं है तो वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री मिलकर प्रेस वार्ता संबोधित करेंगे, और सरकार के 9 साल के कार्यकाल है उसको जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है गौरव, आज बखूबी सभी राज्यों में अमूमन जो भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली, इस दौरान वो कौन कौन से मुख्य काम थे जिसको हाईलाइट करने का आज भाजपा के मंत्रियों ने या नेताओं ने प्रयास किया है? देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है मुस्कान की, यहाँ पर किसानों की बात की गई, किसान सम्मान निधि की बात की गई, क्योंकि किसान की आबादी है वो 60% है देश में, और कहीं ना कहीं अगर वोटिंग मानी जाए तो ग्रामीण इलाकों सबसे ज़्यादा होती है, और अगर किसान अपना जनमत बीजेपी को देता है तो यहाँ पर हैट्रिक मानने में तीसरा सरकार बनाने कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर किसानों को सुविधाओं की बात करें, सिंचाई की बात करें, आवास की बात करें, इज्जत घर की बात करें, इसके अलावा हम बात करें उज्ज्वला योजना की बात करें, या जो तमाम तरह की जो अन्य योजना है, आयुष्मान कार्ड की बात करें, राशन योजना की बात करें, मेट्रो परिवहन की बात करें, एक्सप्रेस वे की बात करें, तो तमाम तरह की जो नीति है, घर जल पेयजल अभियान की बात करें, तो जहाँ जिस राज्य की जो समस्या है जिसका निस्तारण बीजेपी द्वारा किया गया है, और जो विकास कार्य बीजेपी द्वारा किए गए हैं उसको यहाँ बात कही गई है, तमाम ऐसी योजना है जो पूरे देश में लागू है, आयुष्मान कार्ड की बात करें या राशन योजना की बात करें या वैक्सीनेशन की बात करें या एक्सप्रेस वेज की बात करें या आवास की बात करें या इज्जत घरों की बात करें, तो तमाम ऐसी योजना है, उज्ज्वला योजना की बात करें, तमाम ऐसी योजना है जो पूरे विश्व में पूरे देश में यहाँ लागू की गई है उसको लेकर, और जो राज्यों की जो अच्छा काम किया है उसकी बात भी यहाँ पर की गई है, चाहे उत्तर प्रदेश में अभी हाल में ही हुई समिट की बात करें 2023 में, जहाँ पर 33 लाख करोड़ का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया था उसको पूरा करके यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है मुस्कान। ठीक है गौरव, अभी आपने जिक्र किया कि 30 मई से 30 जून तक भाजपा का एक विशेष अभियान चलेगा, इस अभियान में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए यार जनसंपर्क अभियान है, इसके माध्यम से जनता के संपर्क स्थापित किया जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात है हमने आपको पहले भी जब चर्चा हुई है तो बताया है कि जिले जिले यहाँ पर जाया जाएगा, लोकसभा क्षेत्र में यहाँ जाया जाएगा, पूरे देश की यहाँ पर बात है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी वही अभियान चलाया जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात है इस अभियान के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में वहाँ के खिलाड़ी हो या वरिष्ठ नागरिक हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, शहीदों के परिवार हो, चिकित्सक हो, जो बुद्धिजीवी वर्ग है समाज का, उनसे संपर्क स्थापित किया जाएगा, और घर घर यहाँ पर जनसंपर्क अभियान चलाने के माध्यम से यहाँ अपनी नीति और अपने पिछले 9 साल के कार्यकाल को जनता तक पहुँचाने की बीजेपी की जो कवायद है वो शुरू की गई है, और आने वाले समय में मुस्कान हमने आपको बता दें कि 1 जून से 20 जून तक भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जनसभाएं रैलियाँ होंगी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे और तमाम बड़े नेता यहाँ पर राजधानी आ सकते हैं। और बिल्कुल गौरव, अभी आपने जिक्र किया कि भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है, जहां लोगों से संपर्क स्थापित किया जाएगा, जिले जिले में भाजपा के दिग्गज नेता जाएंगे, लेकिन जो हारे हुए राज्य हैं भाजपा के, वहां की जनता को किस तरीके से अपने खेमे में लाने का प्रयास करती नजर आएगी भाजपा? बहुत अच्छा प्रश्न मुस्कान यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत कैसे करते हैं, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है
कि जहाँ हार गए अभी हाल में हिमाचल हारे हैं, अगर हम बात करें पंजाब हारे हैं, इसके अगर पंजाब में पहले से उनका जनमत नहीं था, अभी कर्नाटक हारे हैं, बाहर रणनीति कैसी होनी चाहिए, रणनीति बहुत अहम है और यहाँ पर नए सिरे से हमको मंथन करना पड़ेगा और वहाँ पर मंथन के माध्यम से तमाम अनुभवी चेहरों को उतारना होगा। और सबसे बड़ी बात मुस्कान यहाँ पर यह है, अभियान तो यहाँ पर देशव्यापी है और सबसे महत्वपूर्ण बात मुस्कान ये भी है कि अगर निकाय चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, पर लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है, जो मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं और फिलहाल यहाँ पर बीजेपी जो देश के बड़े मुद्दे हैं उन पर चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि कई बार हमने देखा है तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव अगर बीजेपी हारी भी है पर लोकसभा चुनाव में उसको यहाँ पर खासा लाभ मिला है, तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव के नतीजे या निकाय चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव पर कोई बहुत प्रभाव नहीं डालते हैं, पर चूंकि यहाँ पर हर सीट बड़ी महत्वपूर्ण है और बीजेपी हर सीट के लिए यहाँ पर मेहनत करती नजर आई है, खासतौर से हारे हुए राज्यों में। मुस्कान, बिल्कुल धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि सभी राज्यों में आज भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली। इस दौरान लखनऊ में भी सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और भाजपा सरकार की उपलब्धियों को बखूबी गिनाया कि कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है और वो योजनाएं किस तरीके से धरातल पर काम कर रही है, इसके बारे में भी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आए थे। एमएलसी चुनाव में मतदान के बीच सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा तो दो बातों को लेकर है, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए। यहाँ सरकार वहाँ वो है, अब उसके लिए क्या बोल सकते हैं, उनके लिए क्या बोलने के लिए, पिछड़ा दलित उनके लिए क्या है, अपने ही राम जतन राजभर को हरा रहे हैं सरकार के संग बैठ करके, और सुना है वो गाड़ी में बैठ करके आए, चलो एक दिन एसी की हवा मिल गई उन्हें, अच्छा रहा, एक दिन डिप्टी सीएम के साथ बैठ करके एसी की हवा, अब एक साल ठीक रहेंगे, एक साल उम्मीद करो ये सरकार के लिए ही काम करेंगे। तो आपने सुना अखिलेश यादव का ये बयान। दरअसल उपचुनाव में वोट डालने ओम प्रकाश राजभर और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक साथ पहुंचे। दोनों ही नेताओं ने वोट डालने से पहले विक्ट्री साइन दिखाया, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने ओम प्रकाश राजभर पर दावा करते हुए कहा कि राजभर जी हमारे मित्र हैं और हमारी मित्र मंडली बहुत लंबी है, जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। हालांकि दूसरी ओर सुभाषपा प्रमुख ने उपचुनाव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने कहा कि ये गुप्त मतदान होता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सुहानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुहानी आज सुबह से ही